इंदौर की विजयनगर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, धारदार हथियार, 6 चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल विजयनगर क्षेत्र में 2 महीने पूर्व कुछ पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर पर किराए का मकान देखने आई किशोरियों द्वारा घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित बुजुर्ग दाम्पत्य थे, इस कारण से नाबालिग चोरों ने बुजुर्ग दाम्पत्यों को बातों में उलझाए रखा और एक अन्य युवती ने घर में हाथ साफ कर फरार हो गई। दोनों किशोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल गृह भेज दिया गया था। पूछताछ में गैंग के अन्य 5 साथियों के नाम सामने आने के बाद शनिवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अभी जो नशा करके आरोपी अपराध करते हैं और उनको नशा देते हैं, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में पुलिस द्वारा मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर से जानकारी मिली थी कि जो नशा उनको बेचता है वो नशा करने वाले ये सब एक जगह कहीं छुप के बैठे हैं और भी बड़ी वारदात करने वाले। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश देने पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके पास से 1 पिस्टल, 4 चाकू बरामद किए गए। पूछताछ पर पता चला कि वो लोग मोटरसाइकिल जो नशे के लिए चोराते थे वो 6 मोटरसाइकिल उनसे बरामद हुई, साथ ही मोबाइल जो लूटते थे वो बरामद हुए। और इसमें इसमें पता चला कि इसमें तीरू नाम का जो आरोपी पकड़ाया है ये पहले भी नाबालिग युवतियों को ड्रग्स देता था और वो फिर उनने चोरी करी थी और उस क्राइम पर भी इसका नाम आया था, इसमें भी उसको अरेस्ट किया गया है। ये जो तीरू है ये इसी प्रकार का आरोपी है कि ये नशा की पुड़िया जो है ये इनको आरोपियों को देता है, वो उसके दबाव में आके फिर ये लोग चोरी और लूट की वारदात करते हैं। ये तीरू की पत्नी है जो पुड़िया वगैरह पिकवाने में या अन्य जो चोरी जैसे हुई तो चोरी में भी उसने चोरी का जो हिस्सा लिया था वो हिस्सा लिया था, इसी कारण उसको भी अरेस्ट किया गया। हम आपको बता दें कि आरोपी इतने शातिर थे कि वह बाइक को चोरी कर तुरंत उसे बाजार में किसी भी व्यक्ति को महज 2 से 3 हजार में बेच दिया करते थे, उससे नशा खरीद लेते थे। गैंग के अन्य सदस्य भी नशे के इतने अधिक आदी थे कि वह रोजाना ब्राउन शुगर व अन्य नशाओं के लिए रुपयों की जरूरत होती थी। आरोपी इसके लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गैंग का सरगना तीरू है जो नशे की पुड़िया नाबालिगों को देता था और उनसे चोरी की वारदात कराता था। तीरू की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि चोरी के माल में उसने भी हिस्सा लिया था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है।